लक्की बोलो। नमस्कार, मेरा नाम वैसे प्रकाश है और वैसे मेरे को पीके प्रकाश के नाम से जानते हैं। उत्तराखंड का रहने वाला हूँ। बागेश्वर जिले में मैंने एक छोटा सा अपना एक रेस्टोरेंट आपका खोला है, ढाबा। और मैं पहले ड्राइवर था, लॉकडाउन के बाद फिर रिजगारी हो गई, इसलिए मैंने अपना छोटा सा ढाबा खोला। आप लोगों की सोच से सभी लोग आ जाते हैं, वैसे ही रोज़गार चल रहा है मेरा। मेरे घर में मम्मी है और पापा हैं और तीन भाई बहन हैं हम, और मेरे चार बच्चे हैं, राहुल, करण, लक्की और गोलू। घर में हमारा एक गाय है और वही उसका दूध हमने डेयरी में लगाया है, उसी से रोज़गार चलता है। बाकी आपका ये ढाबा है, इसी से हमारा बच्चों का फीस वगैरह, अपना खाना पीना, और वैसे कोई हमारा मतलब ज़्यादा खेती बाड़ी का भी नहीं हुआ, अपना जो मतलब हुआ दूध का ही हुआ। और यही हुआ क्योंकि लॉकडाउन से हमारा रोज़गार हमसे छीन गया है, तो अब स्थिति यह आई हमारे पास, क्या कहते हैं, क्या करें वाली बात होगी। बाहर तो हम जा नहीं सकते, बच्चे हैं, अब बच्चों का स्कूल का हो जाता है, तो हमने फिर दोनों मियां बीवी ने किया, गाय रखी और हम दोनों ने अपना रोज़गार में लेकर रहे बच्चों को पढ़ाने के लिए। आप जब यहाँ पहली बार मैगी खाने आए थे, आपने एक छोटा सा एक ढाबा को ये कहा कि प्रकाश भाई इसने इसका जो है मैं मोटिफाई करूँगा, जो भी खर्चा होगा मैं अपने जेब से दूंगा। पहले तो हमें अचंभा जैसा हो गया, मतलब जब आप इसको करोगे तो मतलब कैसे लगेगा। इतना बड़ा शहर में कोई आदमी किसी की मदद नहीं करना चाहता है, मगर आपने इतनी मदद करी हमारी कि मतलब हमें, मतलब हमारे, हम और हमारे बच्चे आपको इतने शुक्रिया करना चाहते हैं कि इसके कोई हमारे पास शब्द ही नहीं है। तो इसकी शुरुआत होती है दोस्तों के साथ चाय पर हुई उन बातों के साथ। दिवाली आने वाली थी, बस कुछ दिन बचे थे और दिमाग में बस एक ख्याल था कि इस दिवाली अगर हम किसी और के लिए कुछ कर सके, किसी के परिवार के लिए, तो उससे अच्छी चीज़ शायद ही कुछ हम लोग कभी कर पाते। तो बस इस ख्याल के साथ हमने शुरुआत करी और ये आइडिया मैंने अपने दोस्तों को बताया, जो मेरे इतने अच्छे दोस्त मुझे मिले हैं, कृतिका, स्मृति, विजय, शिवम, राहुल, विमल, हनी, आशु,
जगदीश, दिव्यांशु, सावन, किरण ने प्लानिंग स्टार्ट करी कि हम कैसे कुछ कर सकते हैं किसी के लिए। तो हमने सोचा कि क्यों ना इस छोटे से रेस्टोरेंट जो उनका वो मैगी पॉइंट चलाते थे उसका रेनोवेशन किया जाए। और एक छोटा सा व्हाट्सएप ग्रुप हमने बनाया पीकेज रेनोवेशन। हम बस 8-10 लोगों का ग्रुप था। वो ग्रुप में सब ने अपने आइडियाज़ दिए, सभी ने अपने आइडियाज़ दिए। ये सब इतने पैशनेट थे इस काम को लेके, क्योंकि इसमें हमने ना मैंने अपना फ़ायदा कुछ सोचा है ना मेरे दोस्तों ने अपना कोई फ़ायदा सोचा। तो दिवाली से एक हफ़्ता पहले हमने अपनी सारी तैयारियाँ पूरी कर ली थी और सब सोच लिया था, हमने सारी प्लानिंग हो गई थी कि कैसे कैसे क्या क्या करना है। भुरु भुरु जाऊ है गो डान काना बे सुर सुर बाज मुरुरी तुर तुर हाउ चली रे फुर फुर हाउ चली रे फुर फुर भुरु भुरु जाऊ है गो जगन भगे शिव कैलाशा देवी देवता हिमल कंठा हो जगन भगे शिव कैलाशा देवी देवता हिमल कंठा हो शिव को डमरू बाजो मेरी ही वाला डम डम मेरी ही वाला डम डम घानी बाजी रे टन टन घानी बाजी रे टन टन भुरु भुरु जाऊ है गो हाथ में लिबे तम गगरी पानी हूँ लगे सुघड़ी नारी हाथ में लिबे तम गगरी पानी हूँ लगे सुघड़ी नारी खुटियों का झवर बजानी पट घटा में छुम छुम पट घटा में छुम छुम बाजी मुरुरी तुर तुर बाजी गगरी खुन खुन भुरु भुरु जाऊ है गो तो आखिरी दिन जब ये सब पूरा हुआ तो प्रकाश दा जो ओनर है वहाँ के, उनकी तरफ से एक छोटी सी पार्टी उन्होंने हम सभी को दी। उन्होंने अपने हाथों से सभी ने मिलके उनके पूरे परिवार ने मिलके खाना हमारे लिए अपने लिए सभी के लिए वहाँ बनाया था, जितने भी लोग वहाँ आ रहे थे। जब सब लोग खाना खा रहे थे तो उन्होंने मुझे अंदर बुलाया। उनका परिवार बैठा हुआ था वहाँ पे और उन सभी की आंखें नम थी और उनकी आंखों में ये दिख रहा था कि वो लोग बहुत खुश हैं। हमने बहुत छोटी सी चीज़ की है किसी के लिए, उनकी खुशी उनकी आंखों से ही हम देख सकते थे वहाँ पे। जिस आंगन में दिखे अंधेरा वहीं पर तुम दीप जलाना, जिस घर नहीं जला हो चूल्हा तुम उस घर भोजन पहुंचाना, जो मुस्कुराना भूल गए उन होठों को मुस्काना, और जिन आंखों ने कई सपने देखे तुम सिर्फ एक सपना सच कर दिखाना, भूल गए जो राह अपनी तो उनको मंजिल दिखाना, ऐसा यदि कर सको तो समझो सच हुआ तुम्हारा दीप जलाना। अगले साल पे मिलेंगे जिंदगी रहेगी तो वैसे तो रोज ही मिलेंगे और क्या, इक्कीस में थोड़ी मिलेंगे, रोज मिलेंगे।